डेटा ट्रांसमिशन मोड्स का मतलब है वो तरीके जिनके इस्तेमाल से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। ये मोड तीन तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो इस मोड में डेटा का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है, दोनों डायरेक्शंस में डेटा फ्लो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक वन वे रोड होता है जिस पर ट्रैफिक एक ही लाइन में चलती है। सिंप्लेक्स मोड में डिवाइस या तो डेटा सेंड कर सकती है या तो डेटा रिसीव कर सकती है, दोनों काम नहीं हो सकते। टीवी ब्रॉडकास्ट इस मोड की एक अच्छी एग्जाम्पल है। इस ब्रॉडकास्ट में सिग्नल ट्रांसमीटर से टीवी एंटेना तक आता है और वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स मोड में डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता है लेकिन एक वक्त में नहीं कर सकता, एक वक्त में एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस वजह से डेटा फ्लो की रफ्तार कम होती है। इस मोड की एग्जाम्पल है इंटरनेट सर्फिंग। एक यूजर एक वेब पेज की रिक्वेस्ट सबमिट करता है, इसके बाद वो वेब पेज इस यूजर के पास डिस्प्ले हो जाता है। फुल डुप्लेक्स मोड में डेटा एक ही वक्त में दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल कर सकता है। ये मोड डेटा को ट्रांसफर करने का तेज तरीन तरीका है। इस ट्रांसमिशन मोड में टाइम वेस्ट भी नहीं होता जैसे हाफ डुप्लेक्स मोड में डायरेक्शन चेंज करने में होता है। टेलीफोन को इस मोड की एग्जाम्पल कहा जा सकता है। टेलीफोन के इस्तेमाल से दो लोग आपस में एक ही वक्त में बगैर किसी इंतजार के आपस में बात कर सकते हैं। डेटा एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। एनालॉग का मतलब है ऐसी चीज जो कंटिन्यूअस हो, जैसे हमारी आवाज होती है। जब हम बोलते हैं तो हवा में एक वेव क्रिएट होती है जो ट्रेवल करते हुए किसी के कान तक जाती है या माइक तक जाती है। डिजिटल का मतलब है डिस्क्रीट। हमारे कंप्यूटर्स में जो डेटा होता है वो जीरो और वन की सूरत में होता है, इसका मतलब डिस्क्रीट होता है। अगर हम इस डेटा को किसी और जगह पर सेंड करें तो ये डिजिटल सिग्नल की सूरत में ट्रेवल करेगा।